आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने अभी अभी विंडोज 7 इंस्टॉल की है तो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम कोई नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जो डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं वो हमें शो नहीं होते, खाली एक रिसाइकल बिन के सिवा। तो चलिए यहाँ पे हम सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने इसमें विंडो इंस्टॉल की थी और यहाँ पे एक रिसाइकल का जो आइकॉन है वो वही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक फोल्डर मैंने अभी अभी बनाया है और जो अभी जो वीडियो चल रहा है उसका ये यहाँ पे एक वीडियो, बाकी यहाँ पे कोई भी ये नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम कैसे इसे शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाना होगा, उसके बाद में यहाँ पे सर्च करना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा शो। तो SHOW यहाँ पे डालेंगे तो डालते ही यहाँ पे ये पहले वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप का जो आइकॉन का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए सबके नाम लिखे हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा है। तो चेक बॉक्स के ऊपर आपको जो जो आपको चाहिए वो वहाँ पे चेक करना होगा और जो नहीं चाहिए उसे अनटिक ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो उसे आप टिक कर सकते हैं इस तरीके से, और जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे आप अनटिक ही रहने दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, जैसे कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन है वो हमको चाहिए क्योंकि हमें अपने हार्ड डिस्क में जाना होता है तो शॉर्टकट होता है। और यहाँ पे हमें एक कंट्रोल पैनल के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने विंडो इंस्टॉल की है तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं तो कंट्रोल पैनल में हम जा करके वो उसे कर सकते हैं। तो हमें ये दो चाहिए। अगर चाहो तो यहाँ पे आप उसका आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखिए ये वाला है जो हमारा कंप्यूटर का है, इसको हम चेंज करके देखेंगे। तो जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जो आपको चाहिए उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इसे चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके डेस्कटॉप के जो आइकॉन हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आइकॉन आप चाहते हैं, ये तो फिलहाल में अभी विंडो के साथ में इनबिल्ट आते हैं। अगर आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो वो उसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक आ ही जाता है, उसको आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको छोटे बड़े करने हो तो यहाँ पे आपको ये पता ही है कि इसे छोटे बड़े कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे स्मॉल कर सकते हैं और लार्ज कर सकते हैं। ये देखिए छोटे हो चुके हैं काफ़ी सारे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन शो करा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक सीखते रहिए देखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।